वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं 1 ईयर बेबी की बलून फ्रॉक विथ हेयर बैंड। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज आप देख रहे हैं खूबसूरत सा हमारे पास शहनील का पीस है और इसके ज़रिए हम बिल्कुल इजी फ्रॉक आपको बलून फ्रॉक बनाना बता रहे हैं और बहुत आसान उसमें बनाना बताएंगे। सबसे पहले ये हमारी फ्रॉक, क्योंकि ये जर्सी टाइप का कपड़ा है, सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं करना है इसमें हमें। ये हम 1 ईयर की बेबी के लिए बना रहे हैं फ्रॉक और ये 1 से 18 मंथ की बच्चियाँ आराम से पहन सकती हैं। इसकी मैं साइजिंग आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है ये। ये थोड़ी सी लेंथ हमने रखी है, ये हम लेंगे 8 इंच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको 4 इंच के करीब, हमारा 4.5 इंच हम लेंगे। वैसे 4 इंच होता है लेकिन मैं 4.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं पर इसको फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 4 इंच के करीब, हम इसका आर्म होल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम इस तरह टर्न करके, इसका हम आर्म होल को हम राउंड अबाउट करके इसको हम इस तरह बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से मुझे लेना है 2 इंच के करीब गले के लिए, यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और ये हमारा जितना कपड़ा है हम ये पूरा रखेंगे। ये 6 इंच है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से इसको कटिंग करना शुरू करेंगे, पूरा ये हमारा गले का, फिर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से पूरा काट के हम इसे निकाल लेंगे इस तरह ही। और उसके बाद जब हम दूसरा गला हम इसका फ्रंट का बनाएंगे तो यहाँ से 1 इंच इसको मज़ीद बढ़ा देंगे इस तरीके से। हमारा ये दोनों गला रेडी होगा और यहाँ से देखें ये, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रंट और बैक हमारा बिल्कुल सिंपल सा कट गया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अब इसको हम एक साइड पे करेंगे और उसके बाद ये हमारा, हमारे पास ये कपड़ा है, ये मैं बता दूँ ये कितनी कितनी साइजिंग का हमने लिया हुआ है। ये हमारे पास है 15 इंच का एक पीस है, जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा सा हमारा शाइनिंग वाला है। ये भी डबल में है हमारा, ये 11 इंच लिया हुआ है हमने और डबल में ये 22 इंच होगा। ये लेंथ में हम बता रहे हैं इसको और विद इसकी हमने जितना इसका कपड़ा पूरा पूरा लिया हुआ, ये देखें जितना कपड़े का अर्स था उतना ही पूरा मैंने लिया हुआ ये। और मैं आपको सिर्फ लेंथ बता रही हूँ, दोनों कपड़े का जितना हमारा था हमने उतना ही पूरा ले लिया। और ये देखें ये है हमारा, ये डबल में हमने लिया हुआ है 11 इंच, मतलब पूरी लेंथ इसकी जो है वो 22 इंच की है। इसको हम काट के निकाल लेंगे। ये भी और इसी तरह इसे भी हम डबल में निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये रखा जाएगा। और बिल्कुल आसान फ्रॉक बनाना बता रही हूँ बलून वाली आपको, जो बहुत इजी है और बहुत आराम से सी जाएगी। ये आपने लेंथ देख ली है, ये हमारे पास तैयार लेंथ ऊपर वाली 8 इंच की है और नीचे वाली 11 इंच की है। जब ये हमारा घेर पूरा रेडी होगा इस तरीके से तो ये हमारे पास जो आएगी, ये देखें ये ऊपर से सिलाई के बाद 8 इंच आएगी, तो ये 16 इंच की हमारी फ्रॉक तैयार होगी। और उसके बाद जो है इस फ्रॉक को अब हम बता दें आपको, हम इसे सीते वक्त सबसे पहले हम यहाँ इसकी सिलाई करेंगे और यहाँ करेंगे और पाइपिंग लगाकर इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपका ये वाला कपड़ा है तो आप सिर्फ इसको इस तरीके से बारीक इस तरीके से मोड़ते हुए जाएंगे तो ये खुद ब खुद ये पूरा यूँ मुड़ जाएगा आपका। ये देखें, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पट्टी लगाएं, सारा इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और ये इस तरीके से मुड़ता जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइडें सीने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम इसकी इसका घेर लगाएंगे। चलें अब हम स्टिच करके आपको दिखाते हैं कि कितनी आसान फ्रॉक बना रहे हैं हम बलून फ्रॉक। ये आप देखें ना, हमारे पीसीज हैं ये, इसको हम सबसे पहले इनकी साइडें सीएंगे, ठीक है। इधर से साइड सिलेगी और फिर इस तरफ से इसकी साइडें सिलेंगी। ये हमने इस तरह इसकी साइड सी है, इसी तरह इसकी सिलेगी और फिर हमारे ये जो पीस है इनको भी हम आपस में एक साथ मिला के दोनों तरफ से इसी तरह साइड सीएंगे मिलाकर, जैसे ये हमने सिया। ये देखें,
इसको भी हम इधर से सियेंगे और इस तरफ से सियेंगे। उसके बाद हम इसको आपस में मिला के इसमें चुन्नटे डालेंगे। ये हमारी, ये देखें आप, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है। इस ये हमारा दूसरा पीस जो है, इसको भी हम इसी तरह यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पिन लगा देंगे अपनी। और उसके बाद जो है यहीं से हम इस, ये दूसरा पीस हमारा जो है वो इसको हम इस तरफ वाले में लगाएंगे। अब ये दोनों हमारे पिन के बीच में जो कपड़ा है, इसमें हम हल्की हल्की सी चुनर, इस ये पीस बड़ा है हमारा ऊपर वाला, इसके ऊपर हम हल्की हल्की सी बारीक बारीक चुनर डालना शुरू करेंगे। ये देखें हमारी इस तरह ये चुन्नटें डल गई हैं पीस में। ये देखें, ये पूरा हमारा इस तरह लुक आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से लुक आएगा ये पूरा हमारा, ठीक है। ये देखें, अब हम इस पीस को, ये वाले पीस को लेके हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ इसी तरह जिस तरह हमने पहले निशान लगाया था ऐसे ही हम पिन लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें यहाँ दोनों दोनों जो हमारी सिलाई हुई है इस पर हम इस तरीके से इसको पिन ऑफ कर देंगे ताकि ये हमारा एडजस्ट रहे इस तरह से। और फिर इस तरह ये पीस इस तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये रहा हमारा पीस, ये और ये लिया हमने। अब जिस तरह हमने नीचे चुन डाला था, अब हम इसके ऊपर चुन डालेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर चुन डालना शुरू करेंगे। ये देखे ना हमारा इस तरीके से पीस रेडी हो गया ये पूरा। और ये मैं बता दूँ, ये जो हमारा अंदर वाला पीस है, ये इस पीस से विद में 10 इंच छोटा है, ताकि तभी ये हल्की हल्की सी हमारी चुन्नटें आई हैं पूरी, और दोनों साइडों से 10 10 इंच छोटा है। और अब हम इसमें जो है ये हल्की हल्की, जब हम अपनी फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे हल्की हल्की, तो ये हमारे बलून और मज़ीद फूल जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मैं बता दूँ, ये हमारा 10 इंच कम है इससे, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये कम होगा तब आपकी चुन्नट बहुत अच्छी आएगी, और बराबर होगा तो फिर आपको यहाँ इलास्टिक लगानी पड़ेगी। चले अब हम इसकी ऊपर, ये हमारा स्कर्ट एक तरह से रेडी हो गया। हम ऊपर ऊपर का जो अपनी बॉडी है वो रेडी करते हैं उसको। ये आप देख रही हैं हमारा हमारी फ्रॉक की बॉडी है ये। इसको मैंने यहाँ साइड पर से ओवरलॉक करा हुआ, ये सब भी यहाँ पे भी ओवरलॉक करा हुआ, लेकिन आपके पास ओवरलॉक की सहूलत नहीं हो तो आप इसको बहुत आराम से इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह हल्के हल्के सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी आप इस तरीके से बारीक सा फोल्ड करते जाएंगे और ये होता जाएगा। अब मैं यहाँ मशीन चलाऊंगी, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ तक हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह हम इसको लट कर सीधा करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा पीस हमने रेडी किया हुआ था इसको हम इस तरह करेंगे। और करने के बाद दोनों साइडें जो हमारी ये सिलाई वाली है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। और फिर दूसरा हमारा ये पीस इस तरफ से है ये। ये देखिए यहाँ से हम करेंगे इसे,
हमने दोनों तरफ की इसमें जो ये हमारी मेन सिलाई है साइडों की, इसके ऊपर हमने इस तरह पिने लगाई हैं। अब बीच में ये जो हमारे घेर है और ये हमारी फ्रॉक है, इसमें हम हल्के हल्के से चुन्नट देंगे पूरे में दोनों सब तरफ, और उसके बाद इसके साथ हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। ये देखें, बहुत इजी तरीके से आप बलून फ्रॉक बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह हमारी फ्रॉक खूबसूरत सी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें और बहुत खूबसूरत लग रही है, देखें ये। और उसके बाद आप इस पे ये, मैं इसमें छोटा सा ये फूल लगा रही हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से भी लग सकता है और हम इसकी रिबन की मदद से भी लगा सकते हैं, तो दोनों सूरतों में ये फूल हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये हमारा, ये हमारी फ्रॉक इस तरह रेडी हो गई है। अब ये हमारे पास ये पीस पड़ा बचा था और ये हमारे पास ये रिबन भी है, तो ये इससे हम, इसकी मदद से हम आपको एक खूबसूरत सा फटाफट तैयार होने वाला हेयर बैंड बना के दिखाते हैं, क्योंकि इस कपड़े में खिंचाव है तो इसमें हमें इलास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम इसको नापेंगे। नापने के बाद हम इसको इस तरीके से, ये देखें ये हमारे पास है, ये हम इसे लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले यहाँ हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, और ये हम खींच के लगाएंगे सिलाई इसकी। इसको सीधा करेंगे हम, और उसके बाद करने के बाद हम इसको इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के इसे हम इस पे हम अपना फूल लगाकर इसे रेडी कर देंगे। इस तरह हमने इसे सीधा कर लिया, करने के बाद हम यहाँ पर इसको इसके एक दूसरे के अंदर इसे एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, और करने के बाद इसके ऊपर हम मशीन चला देंगे यहाँ पर। ये देखें, ये हमारा, हमने चला लिए ये वाला, ये हमारा यहाँ रखा हुआ होगा, ये हमारा खूबसूरत सा हेयर बैंड रेडी हो गया है। ये हमारा हेयर बैंड और ये फ्रॉक, हमारी दोनों चीज़ें इस तरह हमने तैयार कर ली हैं। आपको हमारा ये फ्रॉक पूरा सेट बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज वेल। थैंक यू सो मच।